हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में चलिए देख लेते हैं कि करंट एनर्जी चेकअप कर लेते हैं कि आपके पर्सन क्या करंटली आपको लेकर फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके दिल में आपको लेके चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो जरूर ये रीडिंग आपके लिए होगी, तभी यूनिवर्स आपकी तरफ आई है, क्योंकि बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता है। तो किसी रीजन से ही ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। पहला कार्ड देखते हैं क्या आया है, सन। ठीक है, आप या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर। हेरोफेंट। यहाँ दो कार्ड आ रहे हैं, दोनों को लेंगे। सिक्स ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन और क्या फील करें आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एम्परर। ठीक है, तो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस हो सकते हैं, और आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइंस हैं यहाँ पे। इसमें तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है आपके पर्सन को। आपके साथ जो पल आपके पर्सन ने बिताए थे उनको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे हो सकता है आपकी तस्वीर अगर है आपके पर्सन के पास तो आपकी तस्वीरें भी देखी जा रही है। ठीक है, आप दोनों कैसे मिले थे वो सारी पुरानी मोमेंट्स आपके पर्सन याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। और आपके पर्सन किसी तरीके का प्रपोजल देने के बारे में आपको सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन के दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ सन का कार्ड है विथ हेरोफेंट। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ एक ट्रेडिशनल वे में सब कुछ चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं अब आपके साथ। क्योंकि अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है, रियलाइज हुआ है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। और आपका जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है और या फिर आपका जो इनोसेंट नेचर है वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपसे ज्यादा कोई भी सुइटेबल नहीं है इनके लाइफ पार्टनर बनने के लिए। तो ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देने वाले हैं या कोई आपके तरफ गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी ये पर्सन कमिटेड है दूसरे किसी सिचुएशन में, या फिर फैमिली की वजह से, फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन है इसकी वजह से ये पर्सन आपसे इस वक्त दूरियां है, तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ समय में ये दूरियां जो है आप दोनों के बीच में कम होने वाली है। ठीक है, यहाँ बहुत ही पॉजिटिव है, ये पर्सन स्ट्रांगली कमिटेड है आपको लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली देखिए ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, अच्छे जॉब अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं, किसी अच्छे हाई पोस्ट में भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत स्ट्रेटेजी चल रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच समझ रहे हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में फ्यूचर के बारे में अब आपके पर्सन सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है तो वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के भी आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं।
आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज में है ये पर्सन, और आप ही के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, और ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस वक्त जो प्रेजेंट जो है एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे हैं और आपको कुछ ऑफर ज़रूर करने वाले हैं पर्सन। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स पर ये आया है रिवर्स्ड, आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इनफिडिलिटी, आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। टेलीपैथी हार्ट टू हार्ट नोइंग, अनप्रडिक्टेबल अनसीन ये रिवर्स्ड में आया है, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लव ऑफर सेकेंड चांस, डिवाइन कनेक्शन प्योर हार्ट। देखिए आपके पर्सन अगर अभी तक किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, यहाँ देखिए एंड ऑफ द डेक है प्रपोजल सरप्राइज, अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी अनहेल्दी सिचुएशन में थे, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहे थे, तो और आप लोग आप या आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आने वाला फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो अब ये पर्सन की व्यू पॉइंट बिल्कुल चेंज हो रही है। ठीक है, पास्ट के जो भी मिस्टेक्स हैं, पास्ट में अगर कोई दूसरे के साथ आपके पर्सन ने इनफिडिलिटी की थी, मतलब कि आपके होते हुए किसी और के साथ इन्होंने फ्लर्ट किया था, रिलेशनशिप कैजुअल रिलेशनशिप रखा था, तो ये पर्सन अब उन चीज़ों को अपने लाइफ से कट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सारे नेगेटिव कार्ड्स जो है ये रिवर्स्ड आए हैं, तो सारे नेगेटिव कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं, और यहाँ आपके पर्सन जो है अब जो क्लियर नहीं था उसको लेके अब क्लियर हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पर्सन बाहर निकल के एक आपको ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रांग टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को इंट्यूटिवली एक नॉलेज हो रही है कि वो आपको आपके साथ क्या कनेक्शन, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से, या आपके पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन अब फील कर पा रहे हैं कि आपका जो हार्ट है वो कितना प्योर है, और ये जो आपके साथ कनेक्शन है वो कितना डिवाइन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते और आप उनके बिना नहीं रह सकते, ऐसा ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में आपके पर्सन के दिमाग में एक फॉग था, जो नेगेटिव थॉट्स थे, या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ और की वजह से आपको इस पर्सन ने धोखा दिया था, तो अभी सब कुछ यूनिवर्सल चेंजेस हो रहा है, और ये चेंजेस कलेक्टिव हो रहे हैं। जो भी चेंजेस अभी यूनिवर्स में हो रहे हैं सबके पार्टनर्स को रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो और देख लेते हैं आपके पर्सन के और क्या करेंट फील कर रहे हैं, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है सेपरेशन, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो पास्ट में आया था, पर अब ये जो सेपरेशन है सेपरेशन के बाद ही आपके पर्सन को जैसे रियलाइजेशन हुई है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन नहीं होता तो आपके पर्सन कभी भी ये सोचने में मजबूर नहीं होते कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में। आपके पर्सन अब वो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं वो बिल्कुल ही एक जो है एक पॉजिटिव आप दोनों के रिलेशनशिप में एक यू टर्न लेकर आया है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली इस वक्त रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं। उनका जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो आपके साथ जो है चाहती है कि रिकन्सिलेशन हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ। इस तरीके से आपके पर्सन को कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स गाइड कर रही है। ठीक है, या हो सकता है ड्रीम्स विजन्स में आपको आपके पर्सन को इस तरीके से गाइडेंस मिल रही है कि आप ही उनके लिए बने हो और आप ही उनके लिए हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है। तो इस वक्त आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जो अभी यूनिवर्सल चेंजेस आ रही है उसकी वजह से आपके पर्सन के मन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त। आई वॉन्ट टू सी यू, तो आपके पर्सन आपको इस वक्त देखना चाहते हैं, उनका मन कर रहा है आपको देखने का। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, क्योंकि आपके पर्सन पहले जो नेगेटिव पैटर्न्स थे उससे बाहर निकल रहे हैं, तो अभी उनका मन खुश रहता है, अभी हैप्पी है।
पर आपके पर्सन को ऐसे भी लगता है कि आजकल आप उनको इग्नोर कर रहे हो, पर आपके इग्नोर करने से ही उनके अंदर ये फर्क आया है, वो समझ पा रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन अपने फीलिंग्स हेजिटेट कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपको जो एक्चुअल में फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको कभी नहीं भुला सकते, और एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ते ही जाता है, ऐसा बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड यू विल मेक मी मैड इन योर लव। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपके प्यार में पागल हो रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर अब वक्त आया है सुधारने का। तो आपके पर्सन उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने पास्ट में किया है, उन चीज़ों को अब आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।